अगर कहता है कि एक मोल वाटर है, क्या है एक मोल, क्या है वाटर है, तो बात आती है कि अब पूछेगा कि इसमें हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एक मोल वाटर में आपको हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, दो नंबर देखिए कितना है, दो हाइड्रोजन। तो आप लिख सकते हो कि दो मोल हाइड्रोजन एंड वन मोल ऑक्सीजन, दोनों के जोड़ के तीन मोल मत बोल देना वाटर, गलत हो जाएगा। अगर हम पूछ दें, अब तो आप एप्लीकेबल हो बनाने के लिए, अगर हम 2H2O कर दें तो बताइए दो मोल H2O है तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, आप बोलिएगा चार मोल क्या हाइड्रोजन का, फोर मोल क्या है हाइड्रोजन और दो मोल ऑक्सीजन, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, पूछते हैं 5 मोल CO2 में कितने मोल कार्बन कितने मोल ऑक्सीजन। तो पहले देखिए एक मोल CO2 लिखिए, तो एक मोल CO2 में कितना है, एक मोल कार्बन है और दो मोल ऑक्सीजन, तो 5 मोल में देखिए 5 कार्बन यानी कि 5 मोल कार्बन और 10 मोल क्या है ऑक्सीजन। सिमिलरली देखिए अगर हम पूछ दें कि ये आपका है 2 मोल H2SO4, 2 मोल सल्फ्रिक एसिड है, तो इसमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन क्या, तो हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाउ मच मोल, 2 मोल हो जाएगा, इसलिए कि अगर हम 2H2SO4 लिखते हैं तो हाइड्रोजन हो गया आपका कितना 2 × 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 4 मोल है, क्या है कि एक मोल में एक मोल से डिसाइड किया जाता है, एक मोल में 2 मोल हाइड्रोजन है तो 2 मोल में 4 मोल, उसी तरह से सल्फर कितना हो जाएगा, एक मोल में 1 मोल सल्फर है 2 मोल सल्फर, ऑक्सीजन का कितना मोल हो जाएगा 8 मोल। तो ये कंसेप्ट को ध्यान रखने में फायदा है, इससे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, और इसी से हम फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं। हाँ तो देखिए साइन की कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए जल्दी से हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, आपसे पूछेंगे बताइएगा, अपने मन में सोचिए, देखिए आप क्या है। हम पूछ लिए फाइंड मोल्स ऑफ ऑल दी एलिमेंट इन, फाइंड मोल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट इन Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक। हम इसमें पूछ रहे हैं ये फॉर्मूला है फेरिक सल्फेट का, इट इज द फॉर्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट, ठीक। इससे पूछ रहा है कितने मोल, सभी एलिमेंट का मोल बताइए, तो बताइए कि हाइड्रोजन आयरन का कितना मोल है, 2 मोल है, सल्फर का बताइए कितना मोल है, सल्फर कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, कितना हो जाएगा 3 मोल, और ऑक्सीजन कितना है 4 3 का। अगर ये पूछते फाइंड मोल्स ऑफ Fe3+N सल्फेट आए,
कितना मोल्स? Fe3 प्लस, इसको आप देखें Fe3 प्लस जो है कितना है, इसको सबसे पहले हम लोग को ब्रेक करना हो। तो Fe3 प्लस लिख लेंगे आप, और सल्फेट को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक। कितना आयरन है? दो है, आप टू लगा दो। कितना सल्फेट? तीन है। तो बताइए Fe3 प्लस आयरन कितना मोल निकल के आया? दो मोल। सल्फेट कितना निकल के आया? तीन। इज इट क्लियर? अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे FeSO4 है, होल थ्राइस है, आपसे कह रहा है यहाँ पे लिख लीजिए फाइव मोल, फाइव मोल ऑफ फेरिक सल्फेट। अब सेम क्वेश्चन है, फाइंड द मोल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट इन फाइव मोल फेरिक सल्फेट। तो फाइव मोल फेरिक सल्फेट में क्या हो जाएगा कि आयरन का मोल कितना हो जाएगा? दस मोल। सल्फर का बताइए कितना मोल? सल्फर पहले कितना था? थ्री मोल था, और थ्री फाइव जो फिफ्टीन मोल। अब ऑक्सीजन पहले कितना था? बारह मोल। अब फोर्ट थ्री एट टू एम, ट्वेल्व को पांच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्वेल्व फाइव सिक्सटीन। आई थिंक ये आपको समझ में बहुत आसानी से आया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कहीं नहीं फंस सकते हैं मोल के इस कंसेप्ट में। हाँ, तो ये तो आपका क्लियर हो गया एक नंबर तक, ठीक है। अब हम आज आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके देंगे, तो आज इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, आज एक फॉर्मूला आपको डिराइव करके देंगे कि मोल निकालने क्या होता है, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग मोल फाइंड कर देते हैं। तो उस फॉर्मूला को हम लोग इवॉल्व कर लेते हैं सिंपल मेथड से, दो एग्जांपल लेके हम लोग इवॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो पहला एग्जांपल ले लीजिए, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन थर्टी सिक्स ग्राम ऑफ कार्बन 18। कह रहा है आपको, दो एग्जाम्पल से बताएंगे आपको। दूसरा एग्जाम्पल है कि अच्छा चलिए पहले ऐसी कुछ करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन 36 ग्राम ऑफ कार्बन 18। पूछ रहा है 36 ग्राम कार्बन एटम में, अगर आपको 36 ग्राम कार्बन एटम दे दिया है, उसमें पूछ रहा है कि कार्बन के कितने मोल होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे इनिटिव मेथड को अपनाते हैं। बताइए कि कार्बन 6 होता है, इसका होता है 12, बताइए 12 ग्राम बराबर कितना मोल? ऑलरेडी आपको पढ़ा के रख चुके हैं कि 12 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि 12 ग्राम कार्बन बराबर 1 मोल, देयरफॉर 1 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू, बताइए 1 बाई 12 मोल। कुछ कितने में रहा? 36 ग्राम। तो 36 ग्राम कार्बन बराबर 1 बाई 12 इंटू 36, तो कितना आ गया? 3 मोल। क्या आ गया? 3 मोल। अब ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ था, 1 बाई 12 इंटू 36। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 36 बाई 12, और 36 क्या है? गिवन वेट जो दिया हुआ था क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम गिवन वेट। आप बताइए ये 12 क्या है? कार्बन का एटॉमिक वेट क्या है? एटॉमिक वेट। तो गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट से क्या निकला? मोल निकला। तो मोल का एक फॉर्मूला आपके पास आया कि मोल इज इक्वल टू गिवन वेट, गिवन वेट को हम लोग एस भी लिखते हैं, और एटॉमिक वेट को ए डब्ल्यू से भी लिखा जाता है, एटॉमिक वेट और ये गिवन वेट, और मोल को हम लोग लिखते हैं एन से, एन इक्वल टू गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। ये तो एटम के टर्म में हुआ, ये जो इवॉल्व हुआ फॉर्मूला एटम के टर्म में, ठीक है। अब इसके बाद हम मॉलिक्यूल्स के टर्म में दिखाने वाले हैं।
देखिए आपको एक फॉर्मूला आज हम दे दिए, ये वाला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और बताते हैं। एक फॉर्मूला आपको याद हो गया कि मोल इक्वल टू गिवन वेट बाई एटोमिक वेट, ठीक है। अब उस अब एक फॉर्मूला आने वाला है गिवन वेट बाई मॉलिकुलर वेट। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चंस लिखेंगे और फॉर्मूला इवॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 90 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 ग्राम पानी में फाइंड करना है, 90 ग्राम वाटर में फाइंड करना है कि मोल्स ऑफ वाटर क्या है, ठीक है। मीन्स ग्राम को कन्वर्ट कर देना है मोल में, सिंपल सा ये ग्राम का कन्वर्जन मोल में। तो हम लोग जानते हैं, अभी बार बार लिखे हैं, पहले भी लिखे थे कि वाटर एक मोल का जो वेट क्या होता है 18 ग्राम। तो जानते हैं, वी नो डैट 18 ग्राम वाटर, ठीक है, is equal to 1 mole. Therefore 1 gram water is equal to 1/18 mole. कह रहा है कितना, 90 ग्राम। तो 90 ग्राम water equal to 1/18 into 90 mole, इसके मतलब क्या आ गया, 5 mole आ गया। एक्चुअली क्या है, 90 ऊपर था और 18 नीचे था, तो ये था गिवन वेट था, ये क्या था गिवन वेट। अब तो एटॉमिक वेट हम इसीलिए नहीं लिख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन वाटर क्या है, मॉलिक्यूल है, इसीलिए हम वहाँ तो लिख दिए, जिससे कि आपका कार्बन तो एटम था, फ्री था तो एटम था, यहाँ पर ग्रुपिंग में है तो हम लोग लिखेंगे क्या, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो गया आपका 90 by 18 हो गया गिवन वेट, 18 हो गया मॉलिक्यूलर वेट। इससे भी क्या निकल गया आपका मोल, मोल इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्म ये हो गया, ये ठीक है, एन इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, एक था एन इक्वल टू क्या आ गया, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। तो आज हम आपको दो फार्मूला बताएं, दो क्वेश्चन, फार्मूला एक ही प्रकार का है लेकिन क्वेश्चन का, अगर क्वेश्चन इन टर्म ऑफ एटम रहे तो हम ये वाला यूज करेंगे, अगर इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो ये वाला यूज करेंगे। तो फाइनली आज हम लोग एक फार्मूला मतलब कलेक्टिवली एक फार्मूला सीखे हैं कि मोल्स बराबर गिवन वेट बाई एटोमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, या फिर आयन्स रहा तो आयनिक वेट भी लिख सकते हैं। ये हो गया फाइनली मोल्स का। तो आज हम लोग इतना कवर किए, इसके नेक्स्ट क्लास में हम इस पर आपका न्यूमेरिकल कवर करवाएंगे। उसके बाद फार्मूला आएगा मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इंटू एवोगैड्रो नंबर, इसको अवॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे भी मोल्स के फार्मूले आएंगे, तो आप इसको इतना कवर करो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग मिलते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपना कमेंट भी दे सकते हैं ताकि हम आगे वीडियो को जारी रखें। थैंक यू।